हेलो, वेलकम, नमस्ते। मैं संजय कुमार, डेली व्यू चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझ पे तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पे तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर मैं लड़ूंगा, तेरे सामने खड़ा होकर मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। हम लोग जानते हैं जो बिहार एसआई का पेपर फ्री हो चुका है, मेंस की तैयारी अभी चल रही है मार्केट में हर तरफ। तो इसी पे ज्ञान बिंदु एक ट्यूशन सेंटर है, उसकी एक अच्छी पहल है जो एनआईटी पटना में, आप लोग गए होंगे एनआईटी पटना गांधी घाट जो है वहाँ पे, वो फ्री टेस्ट लेते हैं सर। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज रहता है, 100 क्वेश्चन में जैसे पेपर का पैटर्न है मेंस के लिए ऐसे ही पैटर्न आता है, तो वो सर बिल्कुल फ्री टेस्ट लेते हैं, कोई चार्ज नहीं होते हैं। वहाँ 2,000 बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं टेस्ट देने के लिए। वैसे ही गांधी घाट का जो सीढ़ी है उस पर लोग स्टूडेंट बैठते हैं और वहाँ सर आते हैं, सर के बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, सबको क्वेश्चन ओएमआर शीट देते हैं। इसके बाद 1 घंटे की टाइमिंग मिलती है बच्चों को, 1 घंटे में उसको सॉल्व करना रहता है। और इसके बाद 1 घंटे के बाद ओएमआर शीट आप फिल करके दे दीजिए, ओएमआर शीट कलेक्शन कर लेते हैं सर। इसके बाद उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, एक दूसरे बच्चे में चेंज कर देते हैं और सर बता देते हैं एक आप 1 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, 2 नंबर का 2 ऑप्शन है, 3 नंबर का ये ऑप्शन है, ऐसे करके ओएमआर शीट चेक हो जाता है। इसके बाद रिजल्ट भी बता देते हैं लगे हाथ, जो किसका जिसका, और जैसे 75+ कितने बच्चों का है, 80+ कितने बच्चों का है, ऐसे गर्ल्स बॉयज दोनों रहते हैं तो दोनों का ऐसे ही किया जाता है। और उसमें जो ज़्यादा नंबर लाते हैं उसको मेडल देते हैं, सबके सामने में उसकी तारीफ होती है, जो 80+ ये लड़की लाई है, 70+ ये लड़का लाया है, ऐसे करके। ये एक बहुत अच्छी पहल है, बिल्कुल फ्री चार्जेस, कोई चार्ज नहीं। जैसे ही हम लोग गांधी घाट की तरफ इंटर करते हैं, वहाँ से हम लोग जो लेफ्ट जाएंगे तो कृष्णा घाट है, कृष्णा घाट से आगे जाएंगे तो वहीं नीचे में जहाँ टेस्ट होती है वहीं जगह है, तो वहाँ आप लोग जाइएगा। 3 बजे से उसका टाइमिंग है, 3 से 4 टेस्ट का टाइमिंग है, लेकिन बच्चे लेट होते जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, तो जैसे जो आता है उसको 1 घंटे टाइम, लेकिन मेनली टाइमिंग जो सर बनाए हुए 3 बजे से 4 बजे तक आपको कॉपी दे देंगे। इसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए, 1 घंटे का टाइमिंग मेंस के लिए, 1 घंटे की टाइमिंग मिलती है, सॉल्व कर लीजिए और सर को सबमिट कर दीजिए। 3 से 5 होता है उसका टाइमिंग, जो 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे की टाइमिंग मिलती है, आप लोग जाइए और सॉल्व करके दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल क्वेश्चन भी सही क्वेश्चन आता है। हम भी आज गए थे देखने के लिए, हम लास्ट संडे को गए थे तो हमको पता चला था ऐसे ऐसे हुआ है, जो ऐसे यहाँ सर टेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल फ्री होते हैं। ज्ञान बिंदु सर के जो सर हैं वो टेस्ट लेते हैं, फ्री है, तो वहाँ जाइए टेस्ट दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अपने आप को जो जज करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ आप कहीं क्लास में टेस्ट देते होंगे तो 500, 600, 700 बच्चे रहते होंगे, वहाँ 2,000 बच्चे एक साथ आते हैं टेस्ट देने के लिए, तो आप लोग वहाँ जाइए और टेस्ट दीजिए। चलिए हम देखते हैं कैसे क्या आप टेस्ट लेते हैं सर। हम आ चुके हैं गांधी घाट पे, तो देखते हैं कैसे स्टूडेंट आते हैं, कैसे सर कॉपी क्वेश्चन देते हैं बच्चे को और कैसे आंसर निकालता है, बच्चे कैसे बैठते हैं, सब हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चे की क्या हल है। सबको आंसर मिल गया है, बताइए कितना आराम से मिल गया, बैठा रहा इसी वजह से हो गया, क्वेश्चन भी सफिशियंट था, क्वेश्चन भी हो जाता, ठीक है, बहुत कैसे हो गया फोटो स्टेट पे 4-5 रुपया लग जाता है। अरे जहाँ पे खर्च करने का वहाँ पे खर्च नहीं करेगा, पढ़ने लिखने में खर्च करने का वहाँ पे स्टार लग रहा है। आप अपना नाम कहिएगा, आप अपना नाम कहिएगा,
लड़की में 70+ और है किसी के पास? लड़की में 70+ नहीं, 65+ 65+ लड़की में 65+ 65+ लड़की में 65+ है इधर किसी को? किसी के पास आई है जी? नहीं है, किसी के पास नहीं है, सब एकदम ओके बोकी सब है। 65+ 65+ 65 दीजिए, 65 दीजिए, 65 चलिए आइए लेते आइए इधर इधर आप दोनों। 80+ लड़का में 85+ 85+ कोई है? कोई नहीं है। लड़का में 80+ 80+ दो मार्कशीट सब दिया उसको दे दीजिए। लड़का में 80+ 80+ 80+ लड़का में 80+ बैठे रहिए बैठे रहिए। लड़का में 80+ जिनके पास हाथ खड़ा कर दीजिए, बैठे रहिए बैठे रहिए। 80+ 80+ आप लोग OMR शीट दे दीजिएगा ताकि आपको रैंक पता चल सके कि आपकी क्या वास्तविक स्थिति है। लड़की वाला किसको मेरे पास? चलिए आप सुनिएगा सुनिएगा, जो कि आपके ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। इधर उधर करते हैं बॉयज और टॉप थ्री गर्ल, टॉप थ्री बॉयज बैठे रहिए, दो मिनट बैठे रहने के लिए तैयार है, लेकिन बस बैठे रहिए बैठे रहिए। आप लोग बैठे रहिए, बाहर हम बोल रहे बैठिए, ऐसे बातर मचाइएगा हम टेस्ट बंद कर देंगे, ऐसे बातर मचाइएगा टेस्ट हम नहीं लेंगे। हम चाहते हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हम आपसे थोड़े ऐसा थोड़े कि हम आपसे जमीन मांग रहे हैं, आप हमको अपना जमीन लिख दीजिए, बस छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठे रहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। बताइए बैठे रहिए बैठे। फिजिकल ट्रेनर भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लड़की लड़की का ही पहले रिजल्ट हम बोल रहे हैं। औरंगाबाद अंजलि कुमारी औरंगाबाद 65 जो भी है सिम्पी पटना 5/1998 सिम्पी पटना 5/1998 सिम्पी पटना 5/1998 सिम्पी। आगे टॉपर लड़की की घोषणा करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉप थ्री जो बॉयज है उनके विषय में बात करते हैं। उनको 82 मार्क है, तीसरे स्थान पे जो लड़का है उनको 82 मार्क है, और ये है धर्मेंद्र सिंह औरंगाबाद। आगे दूसरा स्थान पे जो लड़का है उनको 83 मार्क है, राहुल कुमार खगड़िया मोबाइल नंबर है 9574। और जो टॉप स्थान में जाइएगा तो 500-600 लड़का के बीच टेस्ट दीजिएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पटना के भीतर बिहार दरोगा की तैयारी जितने भी छात्र कर रहे हैं मेंस की तैयारी, पटना में अप्रॉक्स में आपको 47,900 रिजल्ट दिया है, हमारे ख्याल से जहां तक मेरा अनुमान है अप्रॉक्स में 15,000 लड़का लड़की पटना में रह के तैयारी कर रहा है बिहार दरोगा मेंस का। तो मेरे इस टेस्ट का लक्ष्य यही है कि इस टेस्ट में कम से कम हम 5,000 विद्यार्थी को इस टेस्ट में शामिल करें। इस टेस्ट में अगर आप शामिल होते हैं तो कम से कम जो है आप अपने आप को आकलित कर सकते हो, यही सब लोग आपको टक्कर देगा, समझ, यही सब लोग आपको टक्कर देगा। और यही कारण है कि हम इस टेस्ट को निशुल्क रखे हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस टेस्ट को हम कंटिन्यू रखें और भी इस टेस्ट को बेहतर से बेहतर करें, तो इसके लिए हमको आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप सहयोग करेंगे तो इस टेस्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम टेस्ट को कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो अब आप ही लोग बताइए टेस्ट को कंटिन्यू चाहते हैं या नहीं चाहते? कंटिन्यू चाहते हैं? बस यही रिक्वेस्ट है, 2 घंटा, समझ गए, 2 घंटा, देखिए 4 घंटा गुजार देते होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 2 घंटा टेस्ट देने के लिए आते हैं, 5 से 10 मिनट क्वेश्चन लेट हो जाता है तो एकदम स्टाफ से लड़ जाते हैं आप लोग, समझ गए, लेकिन वहाँ पर टाइम का तो कोई पता ही नहीं चलता है आपको, समझ गए। तो ये चीज है, तो टेस्ट कंटिन्यू रखे ना, यही ना गांधी मैदान, दिक्कत ना हो, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, हम आपसे वादा करते हैं कि अगली टेस्ट से आपको इस प्रकार के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम लोगों के बीच सभी विद्यार्थियों को जितना जरूरी जरूरी फिजिकल भी है, अगर मेंस आप पास करते हैं, अगर फिजिकल पास नहीं करते तो दरोगा नहीं बनिएगा, लेकिन मेंस में नंबर बहुत जरूरी, 2 महीना 2.5 महीना सफिशियंट ना सर,
हाँ मेंस के एग्जाम के बाद ढाई महीना। तो जिनको फिजिकल पास करना होगा थोड़ा टफ है उस टाइम, आप लोग को लगभग जून जुलाई के टाइम में फिजिकल होगा अगर सही टाइम से आयोग एग्जाम कंडक्ट करवा दे तो। टॉपर की घोषणा करते हैं पहले लड़का में ही, उसके बाद लड़की में कर देंगे। लड़का में जो टॉपर है क्वेश्चन आया वो खत्म हो गया, 25-50 लड़का जो है आपको जो है और भी क्वेश्चन लेने से, चार लड़का है एक नंबर पे, तो आप एक एक मार्क बहुत ज्यादा भैरी करता है, समझ गए। और मेंस का मार्क ही आपको मेरिट में लाता है, तो इसी वजह से मेंस की तैयारी आप जितना जोर शोर से होते हैं उसका ही रिवीजन अगर आप करेंगे तो आप बहुत बेहतर करके आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स के दौरान उन्हीं चीजों को रिपीट करना है मेंस में,